अरे तुम कौन हो? रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत थक गई हो। आओ कहीं चलते हैं, कहीं आराम से बैठकर बातें करेंगे या फिर घूमे फिरेंगे। दफा हो जाओ। कहाँ से आ जाते हैं तुम जैसे लोग? यहाँ जंगल में भी आ गए? अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। भागो वरना मार डालोगे तुम्हें। अच्छा ठीक है, आइंदा सोच समझ कर ऐसी हरकत करना। कहाँ जा रही हो आसिल? डॉक्टर, क्या है? कहाँ जा रही हो? जहाँ दिल चाहेगा मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी? जाऊंगी मैं। मैंने कहा ना नहीं। जाऊंगी मैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? क्यों रुकूँ? हाँ किस लिए? तुमने अयान से यही कहा था ना कि तुम इस शादी को खत्म करके मुझे तलाक देना चाहते हो, इसलिए जा रही हूँ मैं। अच्छा है ना, मैं तुम्हारा ये काम जाकर आसान कर रही हूँ, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ भला बताओ तुम? इसलिए रास्ता मत रोको। इधर आओ, मेरी बात छोड़ो, मेरा हाथ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम चाहती हो या नहीं चाहती। सुना तुमने? यहाँ बात ये नहीं हो रही कि तुम क्या चाहती हो आसिल। तुमने कभी मेरी मर्जी पूछी मुझसे? कभी नहीं पूछूंगा मैं। अब तक तुम्हें मुझे समझ जाना चाहिए था। तो तुम समझाओ मुझे। मैं समझाऊं तुम्हें? हाँ तुम समझाओ ना, समझाने को बचा क्या है वैसे। मैं सिर्फ इतना ही समझ पाई हूँ कि तुम अंदर से एक बुजदिल इंसान हो। तुम्हें खुद पता नहीं होता कि अगले लम्हे क्या करना है तुम्हें। गाड़ी में बैठो। मैंने कहा बैठो। नहीं बैठूंगी। गाड़ी में नहीं बैठो। मैंने कहा ना बैठो। अगर मैं नहीं बैठूंगी तो तुम क्या करोगे? हाँ मैं तुम्हें बताऊँ क्या होगा। हाँ ये होगा, तुम मेरा हाथ पकड़ोगे, मुझे खींचते हुए घसीटते हुए जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दोगे। और फिर क्या होगा? एक बार फिर तुम जीत जाओगे। मैं उकता चुकी हूँ फरहत, घसीटे जाने से थक गई हूँ मैं। हम दोनों शायद एक दूसरे से उकता चुके हैं। तुमने तो वाजे कर दिया, लेकिन मुझे खुशी होती कि अगर तुम मुझे छोड़ने का फैसला मेरे सामने करते, मुझसे कहते। इतनी हिम्मत नहीं क्या तुम्हें? मैं इसीलिए तुमसे दूर जा रही हूँ ताकि तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाए और तुम खुश रहो। गाड़ी में बैठो, तुम्हारे ये डायलॉग्स मैं घर जाके सुनूंगा। नहीं जाना। चलो। नहीं, नहीं जाऊंगी। सुना नहीं क्या तुमने? तुम्हें ने तो मुझसे कहा था कि ख्वाबों की दुनिया से निकल आऊं मैं। और क्या चाहिए तुम्हें? सब खत्म हो गया, परी की कहानी खत्म। मैं जमीन पर आ गई। जो कुछ मैं बोल रही हूं उसे गलत साबित करने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? अब यूं खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में नफरत के शोले देख सकती हूं मैं। मैं जानती हूं मेरे आने से पहले तुम्हारी जिंदगी सिर्फ चंद दिनों तक महदूद थी, और मैंने आके सबका सब बिगाड़ दिया। इसीलिए शायद तुमने ये कदम उठाया। जाओ, उठो, बैठो, लेट जाओ, यही ना। मेरे आने के बाद तुम एक ऐसी सल्तनत में खो गए जहाँ की ना तुम्हें जबान आती है और ना कायदा कानून। तुम्हें खुद तक मालूम नहीं कि तुम चाहते क्या हो। जब तुम परेशान होते हो तब तुम नहीं बोलते, जब तुम नहीं बोलते तब तुम परेशान होते हो। आखिर तुम चीज क्या हो? मैंने पूरी कोशिश की तुम्हारा साथ देने की, लेकिन तुम भाग रहे हो। जहाँ कमजोरी महसूस करते हो भागते हो। अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने भाई से, सबसे भाग रहे हो। यासिर ने क्या बिगाड़ा है? उस मासूम बेचारी गुलशन का क्या कसूर है? तुम्हारी माँ यशवा का इतना बड़ा जुर्म क्या है? आखिर वो माँ है तुम्हारी, वो सबके सब तुम्हारे अपने हैं। तुम उनसे भी भाग रहे हो। अब गाड़ी में बैठो। हम मियां बीवी हैं। बहुत शुक्रिया।
यह मुझ पर कभी हावी नहीं होगा हासिल। यह रिश्ता कायम है और जब तक मैं चाहूंगा यह कायम ही रहेगा। देखा, मैंने कहा था ना मुझे घसीटोगे तुम। अब बस कर दो डॉक्टर,